गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारे घर में पूजा। पता है मेरा ऐसा तबीयत ख़राब है ना कि मैं चल ले रही हूँ, फिर ले रही हूँ, बोल ले रही हूँ, बट पर ना कभी कभी अचानक से ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को चक्कर आ रहा है, ठीक है, तो मैं सो जा रही हूँ, और मुझे सो रही हूँ तो मुझे नींद भी आ जा रहा है, तो बीच बीच में ही हो रहा है अचानक से ऐसा, और कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वीकनेस लग रहा है पूरा। तो ऐसा लग रहा है घर वाले को कि मैं बहाना कर रही हूँ कि मुझे काम ना करना पड़े। बताओ, ऐसा सिचुएशन हो ही जाता है, मैं सब कुछ कर ले रही हूँ लेकिन सो रही हूँ, तो किसी को भी लगे कि मैं बहाना कर रही हूँ। और ये रही मेरी भाभी जो कि पूजा के लिए रेडी हो रही थी। मेरी भाभी इतनी छोटी सी है ना कि इन पे साड़ी बड़ा हो जाता है भाई, मतलब इनको एक्चुअली साड़ी भी अच्छे से नहीं होता है क्योंकि साड़ी बहुत बड़ा रहता है। और ये भैया परेशान करने के लिए एज ऑलवेज आ ही जाते हैं। भाभी रेडी हो रही थी तो वो बोल रहे थे कितना देर और कितने देर, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। जाओ ना तुम जाके बैठो, काम नहीं कर रहे हैं। 3 घंटा हो गया। मैं पूरे 2 दिन के बाद नहाई हूँ और अब मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, रिया के घर गई थी, तो मेरा तबीयत ख़राब था तो वो ना मुझे बिस्किट खिला दी क्योंकि दवाई खाना था, तो मैं उसके घर बिस्किट खा ली, तो अब पूजा नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी घर में पूजा हो रहा है, नज़र लग गया मुझे, मेरा ही नज़र लगता है। मैं बोली थी ना कि मैं पूजा करी तो कल भी पूजा नहीं की और आज भी पूजा नहीं की, अब कल से पक्का मुझे पूजा करना है। बस मम्मी एक ही पत्ता में लिखे नहीं चलेगा, नहीं तीनों में लिखेगी, इतना सारा है यार। पीला फोटो लेते थे, पीला अभी मैं लिखो ना दूर उधर 22 गो पत्ता, सब कुछ पीला से जाते थे, देखो करते मैं लोग। और ये है मेरी भाभी का फुल लुक, येलो येलो साड़ी विथ रेड चुनरी, बिल्कुल दुल्हन लग रही है यार। और पूजा भैया और भाभी के लिए ही हो रहा था तो ऑब्वियसली पूजा में भैया और भाभी ही बैठेंगे, और पूजा मेरे पापा करवा रहे थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे पापा पूजा करवाते हैं, और खरगोश अपना एंजॉय कर रहा था उधर। ओम अपवित्र पवित्र वेतस्य बांधी विखी विसुदि विता गायत्री छंद हृदय प्रकृत करणे विनि योग। नाम छत्रिणी पवित्रिणी सूर्यस्य रश्मी तसुति पवित्रपति पवित्र चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम। देखो मुझे पूजा में बैठना नहीं था और मुझे ही खाना बनाना था, आटा सान के पूड़ी छानना, सब्जी बनाना, इसलिए मैं सूट वूट नहीं पहनी क्योंकि अगर मैं वो सब पहन लूँगी तो फिर मुझसे काम नहीं होगा, इसलिए। तो मुझे लगा है बहुत जोर से भूख, बट अभी घर पे खाना नहीं बना है क्योंकि भाभी पूजा पे बैठी है, मम्मी पूजा पे बैठी है, तो मैं ईशा के घर आई हुई हूँ। अब ईशा बना रही है क्या, ब्रेड चॉप। अब ब्रेड चॉप से मेरा तो पेट भरने वाला है नहीं, बट ठीक है यार, नहीं कुछ से कुछ तो सही, मतलब को हटा देंगे। सो ये रहा सब धुआं किए, जो जो आलू सब ब्रेड चॉप। तो सर्व भय जे के पृथ्वी मनु जे अंतरिक्ष जे मैं जे दिवी तेव्य सर्पे बहु नमः गिरा सर। सो गाइस आलू चॉप के साथ रोटी खाना है, कैसा लग रहा है मयंक? कल से मैं कुछ भी नहीं खाई थी तो खाई तो पेट तो भर गया। अब मैं और ईशा मिल करके हम मेरे घर में खाना बनाएंगे क्योंकि भाभी बैठी हुई है पूजा पे इसलिए, और मम्मी भी पूजा पे ही बैठी हुई है इसलिए। ये देखो मेरे को ना फास्ट फूड बहुत अच्छे से बनाने आता है और इसको घर का खाना है वाइफ मेरे लिए। अरे पूरा डंडी हटा देना।
फूल गोभी। सो गाइस हम लोग का हाफ सब्जी रेडी है, अब इसमें हम लोगों को पानी देना है। कुछ और फाइनली पूजा हो गया था कंप्लीट। तो लास्ट में भाभी भैया को पहले चरणामृत दिखा दी आरती, और फिर लास्ट में सब चरणामृत लेकर के प्रणाम करके पूजा होता है समाप्त, और आती है बारी पूरी छानने की। सब कुछ खत्म हो गया है, अब बस पूरी छानना बाकी है। ये बेल रही है और मैं छान लूंगी। गाइस ये है कोल्ड कॉफी मेड बाय मयंक, ये है चाउमीन मेड बाय मी, मतलब लाया गया बाय मी। गाइस मैं ना आज बाहर गई थी, ठीक है, तो वहां से लेकर के आई हूँ मैं स्लेट पेंसिल एंड आई एम गोना रोस्ट इट, ठीक है, और इसको अलग तरीके से रोस्ट करेंगे। इसको आज निकाल के रोस्ट नहीं करेंगे, इसको सीधे गैस पे रख देते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम इस प्लेट को नीचे रख देंगे ताकि जो भी स्लेट पेंसिल इधर उधर हो वो प्लेट में चले जाए, और फिर हम इस गैस को करेंगे ऑन। ये सब चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, और मैं इसको इस पर रख दूंगी, ठीक है भाई। ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे एक्चुअली डर लग रहा है। मैं इसको अब खोल दूँ क्या, क्योंकि कोई फायदा थोड़ी है पेपर को जलाकर। वाओ, एटलीस्ट सारे स्लेट पेंसिल रोस्ट तो हो रहे हैं एक साथ, अगर निकाल के करती तो सारे नहीं होते। अच्छा है, हो जा। खुद ब खुद गिरते जाएगा वो। गाइस ये सच में बहुत ज़्यादा क्रंची होने वाला है, क्योंकि इसको मिल रहा है आज फुल फ्लेम, कभी भी नहीं मिलता था, आज फुल फ्लेम मिल रहा है इसको, तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची होने वाला है। और इसको आज मैं पूरे मन भर के इसको पकाने वाली हूँ, हमेशा नहीं पकाती थी, आज पकाऊंगी बहुत देर तक। सो गाइस ये ना पूरा ब्लैक हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी, वरना ये पूरा जला जला सा लगेगा। और आज मैं इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखने वाली, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखने से ना मॉइस्चर की वजह से ये और सॉफ्ट हो जाता था, इसको आज मैं नहीं रखूँगी। For me and for you all, this is only a roasted slate pencil. Now let's make it hype, जो कि सभी content creator करते हैं। So guys, today I'm gonna try black slate pencil. ये hype ही create है भाई, बस इसको roast कर दी हूँ, और इसको as a content creator देखा जाए तो सब बहुत कोई बोलेंगे today I'm gonna try black slate pencil. तो ये सब बातों को छोड़ो, रोस्टेड स्लेट पेंसिल ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, आई डोंट थिंक ये क्रंची होता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्रंची और हार्ड में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। बट जो भी बोलो, टेस्ट का लेवल इतना बढ़ गया ना। मैं इसको बट अगर देखा जाए कि क्रंचीनेस बढ़ा तो क्रंचीनेस नहीं बढ़ा, बस हार्ड हो गया। एंड आई एम इन लव विद दिस। एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगी, जो कि कल से रिलेटेड है। मैं बोली थी ना कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ ब्लॉग लोग देखेंगे। अरे हाँ भाई, ब्लॉग देखेंगे। तो उनका कहना था कि तो फिर आप थंबनेल पे क्यों लगाते हो। मैं इसलिए लगाती हूँ ना, क्योंकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, मैं ब्लॉग के साथ साथ थोड़ा क्रिएटिंग भी कर रही हूँ। क्योंकि देखो, ब्लॉग वाले जितने हैं ना, वो तो मेरे ब्लॉग को देखते ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिसको क्रंच पसंद है, जिसको भी, तो कभी कभी मैं 3 मिनट का कर देती हूँ, कभी कभी 2 मिनट का कर देती हूँ। तो क्रंच वाले लोग आकर के मेरे सिर्फ क्रंच को देख करके चले जाएं, क्योंकि आई नो
उनको व्लॉग पसंद नहीं है तो वो मेरे को व्लॉग को देखेंगे भी नहीं, इसलिए। अभी बज रहा है 1 और हम लोगों के साथ बहुत पैरानॉर्मल, भाई 1 बज रहा है और हम लोगों को करीब 1 घंटे से पायल का आवाज आ रहा है, मुझे, भाभी को और भैया को, ठीक है। पहले तो क्या हुआ ना कि पहले मैं मम्मी को उठा करके बोली, मम्मी मेरे साथ सोई थी, कि पायल का आवाज़ आ रहा है, तो मम्मी बोली कि कुछ नहीं आ रहा है, सो जाओ। मैं सो गई। उसके बाद भाभी आई अचानक से दौड़ते दौड़ते कि पायल का आवाज़ आ रहा है और भैया को भी सुनाई दे रहा है। तो हम लोग ना सबको ही मिलकर अभी जागे हुए हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है। भाभी मेरे ही रूम में सो रही है हम लोगों के साथ, क्योंकि भाई भी और भैया को दोनों को डर लग रहा है। तो भैया गए हैं पापा के साथ सोने के लिए, मैं, भाभी और मम्मी एक साथ आज सोई हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग जल्दी से ही इस बिल्डिंग को खाली कर देंगे, मे बी इसी मंथ, क्योंकि ये नहीं रहने वाले भाई। ये देखो, प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो घर में तो नहीं आ रही है, वो बाहर से कर रही है ना, उसको घर में आने का हिम्मत थोड़ी है, घर में इतना पूजा वगैरह होता है। सो तो कर के बैठा ले, सो तो गाइस, भैया सोने के लिए गए थे, फिर भैया वापस उठ करके आ गए, उनको भी सुनाई देने लगा बहुत जोर जोर से।